हाय मेरे जेकेटियन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, हाफ ईयरली जितना मर्जी क्लास ट्वेल्थ का बच्चा बोल ले कि यार हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट नहीं होता, पेरेंट्स को समझा ले, टीचर्स को समझा ले, लेकिन डीप डाउन हिज हार्ट और हर हार्ट ही और शी इज अफ्रेड ऑफ हाफ ईयरली। मतलब कहीं ना कहीं डर होता है कि यार अगर लाज बचाने जितने नंबर नहीं आए, इज्जत बचाने जितने नंबर नहीं आए, पास नहीं हुए या फिर सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं आए, तो भैया टीचर्स के ताने स्टार्ट हो जाएंगे, पेरेंट्स के ताने स्टार्ट हो जाएंगे, दोस्त का चिढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तक पीटीयूटी चल रहे थे, पीटीयूटी को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया जाता, मतलब हल्की सी भी, इतनी सी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन जैसे ही क्लास ट्वेल्थ के बच्चे की लाइफ में हाफ ईयरली आ जाता है, तो समझ लो वहां से अब उसकी सीरियसनेस टूवर्ड्स पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, ईच एंड एवरी चैप्टर में से जो आपको पढ़ के जाने हैं फॉर योर हाफ ईयरली। देखो, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है सिलेबस, तो ऑब्वियसली मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं बता सकता ये पढ़ लो, ये वाले चैप्टर पढ़ लो, वो वाले चैप्टर पढ़ लो, किसी की क्या बुक्स आ रही है अकाउंट्स में, किसी की क्या बुक्स आ रही है, वी डोंट नो। तो इसीलिए बेस्ट मुझे यही लगा, क्यों ना यार बच्चों को हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं मैं, यार जैसे ये चैप्टर हो गया तो इससे ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, और सिर्फ बताऊंगा नहीं, करवाऊंगा भी, उन टॉपिक्स को मैं अच्छे से करवाऊंगा भी, ठीक है। लेकिन टॉपिक्स को, पूरे पूरे चैप्टर्स को नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमारी बोर्ड की अलग सीरीज चल ही रही है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, तो एक एक करके चैप्टर उठाते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, ज्यादातर बच्चों की आएगी, तो अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, तो पार्टनरशिप में सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है? फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है? इसमें आपको पढ़ना है पास्ट एडजस्टमेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कते ही मिस नहीं कर सकते, आएगा आएगा, 100% लिख के दे रहा हूं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एमसीक्यू आ जाते हैं ज्यादातर इसमें। एंड एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, खासकर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो ये ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर आता है आपका गुडविल वैल्यूएशन, इसमें एक तो फैक्टर्स पढ़ लो, वैसे ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी मैं क्या काटूं, तो एक काम करो फैक्टर्स पढ़ लो, और मेथड्स में एवरेज पीरियड मेथड तो पढ़ लेना विद एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज पीरियड मेथड विद एडजस्टमेंट। इनमें से कई सारे टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हो, वो प्रॉपर सीरीज चल रही है, नहीं तो एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें प्रॉपर फोल्डर बने हुए हैं, उसमें चैप्टर वाइज आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो एवरेज पीरियड मेथड विद एडजस्टमेंट्स हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, एडजस्टमेंट्स पढ़नी ही पढ़नी। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड एक बारी देख लेना, लेकिन ज्यादातर यही आता है। तीसरा आता है आपका चेंज इन पीएसआर, अच्छा चेंज इन पीएसआर एज वेल एज एडमिशन, दोनों मैं एक साथ बताता हूँ, ठीक है, दोनों एक साथ बताऊंगा, क्योंकि मोर और लेस सेम चीजें हैं इसमें। फुल फ्लेज क्वेश्चन, यार देखो वैसे तो बोर्ड में आपका 6 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन है, तो स्कूल वाले भी वही फॉलो करेंगे, लेकिन बोर्ड वाले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तीनों नहीं डालेंगे, ये गारंटी है, तीनों नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन स्कूल वाले डाल सकते हैं, हाफ ईयरली है, यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, वो डाल सकते हैं। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन में बैलेंस शीट के साथ करना ही करना है आपने, चेंज इन पीएसआर एडमिशन ज्यादा प्रेफरेबल है, एडमिशन का कर लो बेटर होगा, ठीक है, एडमिशन का कर लो। अगेन कैपिटल एडजस्टमेंट डाल देता हूं, यार स्कूल वालों का भरोसा नहीं है अगेन कुछ भी, यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, वो डाल देंगे, पेपर में आने के कम चांसेस है बोर्ड में, ठीक है। उसके अलावा आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व,
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व. अच्छा जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन. अच्छा स्कूल वाले चुन चुन के ऐसे टॉपिक डालते हैं जो बच्चा छोड़ के ही जाता है, तो जर्नल एंट्रीज जरूर पढ़ लेना. गुडविल वैल्यूएशन का नहीं आएगा इतना. न्यू पीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, एमसीक्यू उसमें डालते हैं. ठीक है तो ये अच्छे से पढ़ लेना. अब चलते हैं हमारे रिटायरमेंट वाले चैप्टर. रिटायरमेंट में अगेन फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है अगेन बैलेंस शीट के साथ इसका कैपिटल एडजस्टमेंट भी पढ़ना है आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ में लोन्स अकाउंट, सॉरी एग्जीक्यूटर तो डेथ में बनेगा, यहां पर बनेगा आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने. ठीक है ये सारी चीजें आपने पढ़नी है 100%, ये आएंगी आएंगी. उसके अलावा रिटायरमेंट में भी आपकी न्यू पीएसआर या फिर गेनिंग रेशियो इजीली आ सकती है. ठीक है गुडविल ट्रीटमेंट में इसमें ज्यादातर हिडन गुडविल या फिर एडमिशन में भी आपकी हिडन गुडविल आ सकती है. ठीक है तो ये पढ़ के जाना. उसके बाद अगर हम डेथ चैप्टर की बात करें तो डेथ चैप्टर में एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट शेयर और गुडविल ट्रीटमेंट का 3 नंबर का एक साथ क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है डेथ में ज्यादा नहीं है पढ़ने को, बस यही है. फुल फ्लेज क्वेश्चन डेथ से कम ही आता है, आता है तो रिटायरमेंट जैसा ही होता है तो प्रैक्टिस हो ही जाती है, बस प्रॉफिट शेयर का अलग ट्रीटमेंट होता है. अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर अंडर पार्टनरशिप विच इज डिसोल्यूशन. इसमें जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जर्नल एंट्रीज सारी आपकी एसेट ट्रांसफर करने की, एसेट बेचने की, पार्टनर ले गया एक्सेट्रा, लाइबिलिटी सेम. उसके अलावा फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें भी, इसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक, ये तीनों. तो ये तसल्ली से पढ़ लेना, ये टॉपिक 100% आते हैं. ठीक है टाइम टेबल आप बना लीजिए प्रॉपर, कौन सा कैसे करना है. वीडियोस आपको मैं डालता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग करते जाना, सिंपल सी बात है यार. चलो तो यहां पर हमारी एक बुक खत्म हो गई है पार्टनरशिप. अगर आपके हाफ ईयरली में इनमें से कोई भी चैप्टर आ रहे हैं, पूरी बुक आ रही है तो ये पढ़ लो, आपकी पार्टनरशिप हाफ ईयरली के लिए तैयार है 100%. ठीक है अब चलते हैं हमारी कंपनीज की तरफ. कंपनीज में आपके दो ही चैप्टर हैं, एक है आपका शेयर कैपिटल वाला, इसमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 नंबर का जर्नल एंट्रीज का ही, फुल फ्लेज क्वेश्चंस. ठीक है वो जो जर्नल एंट्रीज होती हैं आपकी विद आपका फोर फीचर री इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ जाता है सीधा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है उसके बाद आपका आ जाता है डिवेंचर्स. डिवेंचर्स में आपका ये तो आना ही है 100% आना है, कौन सा इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन 100% है. उसके अलावा कोलेटरल सिक्योरिटी आ जाता है, बहुत छोटा टॉपिक है एक बार पढ़ लेना कोलेटरल सिक्योरिटी का. ठीक है अगेन कंसिडरेशन अदर देन कैश. ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन 100% आएगा, इसमें फोर फीचर री इशू 100% आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन 100% आएगा. 12 नंबर के चैप्टर आते हैं बोर्ड में यार, मजाक थोड़ी ना. अगर हम इसमें बात करें पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ज़्यादातर ऑप्शन आ जाता है. ठीक है
एवरेज पीरियड विथ एडजस्टमेंट, गुडविल हो सकता है ना भी आए, विद इन फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए, इसमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 100% है, 100%। उसके अलावा न्यू पीएसआर सेक्रीफाइसिंग चेंज इन पीएसआर एडमिशन में से एक एमसीक्यू 100% है, इसमें भी फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑप्शन आ जाता है एडमिशन रिटायरमेंट में, इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट ठीक है और प्रॉफिट या फिर गुडविल ट्रीटमेंट का एक क्वेश्चन 100% है। अच्छा, इसमें आपका जर्नल एंट्री या फुल फ्लेज क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाता है 6 नंबर में, आना लेकिन जरूर है। तो ये दो बुक्स हमारी यहाँ पर ना समाप्त हो चुकी हैं, मतलब वैसे थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली जब आप करोगे तभी समाप्त होगी। अब चलते हैं हमारी एनालिसिस पर। तो एनालिसिस वाली बुक में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरी को अभी अवॉइड कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। तो थर्ड चैप्टर आपका कंपैरेटिव कॉमन्स है, मैं यहां पर फर्स्ट लिख रहा हूं ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब वो किसका आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, वो भले ही कंपैरेटिव बैलेंस शीट, वो कॉमन साइज बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कुछ भी आ सकता है। तो आपको चारों पढ़ना है और बहुत इजी है, हार्डली मैं बोलूंगा इसको कितना, एक एक क्वेश्चन चारों का अटेम्प्ट कर लोगे आपका ये चैप्टर खत्म, बस इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। रेशियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियोज में एक वो वाला क्वेश्चन, इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन कि इस ट्रांजैक्शन से आपकी रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ठीक है, और लिक्विडिटी का क्वेश्चन आ जाता है, उसके अलावा एक्टिविटी रेशियो का क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से। उसके अलावा हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी से, पहले मैं लिक्विडिटी की बात करूँगा, लिक्विडिटी रेशियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो पढ़नी ही पढ़नी है किसी भी हालत में। सॉल्वेंसी रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी हम टॉपिक्स का आपस में देख रहे हैं तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वही डाल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सारे डाल रहा हूं, क्योंकि सारे डाल दूंगा तो फिर तो वीडियो बनाने का पर्पस ही है, मैं तो सीधा आगे बोल दूंगा भाई ये चैप्टर पूरा पढ़ लो, ये चैप्टर पूरा। टॉपिक बताना चाहता हूं जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनते हैं, जो ओवर द ईयर मैंने 7-8 साल हो गए, ये मेरा 9वां साल है पढ़ाते हुए, तो जब मैंने जितना मैंने देखा अभी तक हाफ ईयरली में, जितने मैंने मतलब यार 100 बच्चे पढ़ा लिए, 1000 बच्चे पढ़ा लिए, जितने मैंने अभी तक देखे ठीक है। तो कंपेरेटिव कॉमन साइज रेशियोज, अब आते हैं हमारा लास्ट चैप्टर जो है विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ज्यादातर स्कूल जो है वो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन डालते हैं, हालांकि चांसेस कम है फुल फ्लेज के 6 नंबर में, चांसेस काफी कम है, टू बी ऑनेस्ट चांसेस काफी कम है, ज्यादातर आ जाता है ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का या फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है, उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन से इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा ठीक है, उसके अलावा कौन सी एक्टिविटी में जाएगा ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ठीक है। तो ये सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं टॉपिक। अब अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि जो जो चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इनमें से आपका पढ़ लोगे तो आपका बेड़ा पार हो गया। और एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए यार, इट इज़ हाई टाइम, अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, इस वीडियो में आपको ये लग रहा है कि चलो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सर ने इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो मेरे भाई ये चीज़ आप सही नहीं कर रहे ठीक है, आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, और अगर फ्यूचर ने आपके साथ खेल लिया तो ये टाइम खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो हर चीज में बैलेंस बनाओ, मैं कभी भी बच्चों को मना नहीं करता, मस्ती मत करो, मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, इट शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ, दोस्तों वगैरह गेड़ी रुकनी नहीं चाहिए, इट शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आपकी कोचिंग है तो कोचिंग जाओ, पहले वहां सिंसियरली पढ़ लो, आपने अर्न कर लिया आधा पौना घंटा आपने अर्न कर लिया, फिर घूम दोस्तों वगैरह घूमो, मोमोज खाओ, ये करो वो करो एक्सेट्रा, जाओ बिंदास जाओ, फिर घर आओ, होमवर्क करो स्कूल का या कोचिंग का, जिसका भी होमवर्क है करो। एक बैलेंस प्लान बना के चलोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, आपके टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, और लोग आपका एग्जांपल देंगे, वो बोलते हैं ना यार शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा,
आपका एग्जाम्पल देख के, तो मेक श्योर पढ़ना स्टार्ट कर दो, सीरियस हो जाओ यार। मतलब मिड अगस्त में मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सीरियस हो जाओ, कितनी गलत बात है। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, और कमेंट्स में जरूर मुझे बताना कि मैं कौन सा टॉपिक सबसे पहले कराऊं। मेरे दिमाग में एक ऑर्डर बनी हुई है, मेरे दिमाग में एक प्रेफरेंस लिस्ट बनी हुई है। जैसे मैंने बताया, मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसे ही स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर, पार्टनरशिप के तुम्हारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्लियर है, क्योंकि वो हमने तसल्ली से करी थी। लेकिन सर हमारे स्कूल में कैश फ्लो आ रहा है, लेकिन वो हमारा ढंग से नहीं हुआ था, कोचिंग में अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्कूल में आ रहा है, तो आप करवा दीजिए। सर हमारा रेशियोज करवा दीजिए, जो आपने टॉपिक बताया वो बता दीजिए। सर कंपेरेटिव कॉमन साइज बता दीजिए। सर शेयर में सर फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, सर डिवेंचर्स में कैसे अटेम्प्ट करें, तो मेरे को कमेंट में बताओ। अगर कमेंट में नहीं बताना तो मेरा इंस्टा हैंडल ले लो, इट्स ITS_OBROI वैभव, ठीक है? तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहां पर भी बच्चों के डाउट एंटरटेन कर, क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट आते हैं मेरे को। जैसे ही टाइम मिलता है मैं उनको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, मैं उनको मैसेज टाइप करके भेजता हूँ, कभी कभार कुछ सॉल्यूशन लिखना पड़ जाए तो वो पूरा सॉल्व करके उसको पेपर पे फोटो क्लिक करके भेजता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार बच्चों को कहीं से कोई भी मतलब एक डाउट दिमाग में रह जाए परमानेंटली, नहीं, सॉल्व होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि भैया कर भला तो हो भला, सिंपल सी बात है। एंड कमेंट जरूर करना है आपने वीडियो, कमेंट 100% करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तभी मैं पूरे इनिशिएटिव से उसी ऑर्डर में पढ़ा पाऊंगा जिस ऑर्डर में मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे, जिस टॉपिक के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे। देखो हाफ ईयरली है, मैं आपको बता दूँ भले ही आप लोग लीनियंटली ले रहे हो, लेकिन ये लीनियंट वाली चीज़ नहीं है मेरी जान। पेरेंट्स पीछे पड़ जाएंगे, टीचर्स पीछे पड़ जाएंगे आप लोगों के, अगर मार्क्स नहीं आए तो। पीटी यूटी चलता है, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 नंबर पे पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर 80 नंबर में उनको दिख गया भैया 16 नंबर 18 नंबर 20 नंबर, तो देखो कितना उनका हार्ट ब्रेक होगा। तो ये चीज आपने नहीं करनी है, मेक श्योर अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, और हमने कोई हाफ ईयरली में 80 में से 80 लाने, अगर आते हैं तो लाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, जो टॉपिक हमारे पक्के हैं हम कोशिश करेंगे उन्हीं में 100% मार्क्स खींचने। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी हाफ ईयरली पे, और हाफ ईयरली में मैंने यही बोला था कि डोंट ट्राई कि यार हमारे सिलेबस हमारे स्कूल में जो हाफ ईयरली है उसमें तो अकाउंट्स में से 12 में से 10 चैप्टर डाल दिए टीचर ने, तो 10 के 10 करूंगा, नहीं, अगर आपके 6 हुए हैं कोशिश करो उन 6 में 100% स्कोर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा 7वां 8वां चैप्टर खींच लो, लेकिन पूरा मत करो, कोई चीज़ टाइम के साथ होगी ना तभी बेहतर तरीके से होगी, ठीक है? चलो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मिलते हैं हम टॉपिक्स की वीडियो के साथ, ठीक है? और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, अपने अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करो, ताकि मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन, और कलेक्टिवली पढ़ेंगे ना तो और मज़ा आएगा। कंपटीशन से बीट, एक चीज फ्री की मिले तो उसमें मजा नहीं है, लाखों लोगों को बीट करके जाओ। SRCC के बच्चों में आप देखोगे अलग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, क्यों? क्योंकि वो कई सारे बच्चों को बीट करके निकले हैं, उनको फ्री में नहीं मिली, दहेज में नहीं मिला उनको। तो आई नो, आई हैव बीन देयर, मैं वहीं का एक एलुमनाई हूँ, मुझे पता है कैसे बच्चे आते हैं वहाँ। बैलेंस, मेरे को सबसे अच्छी बात वही लगती थी वहाँ की, बैलेंस्ड रहते थे बच्चे, मतलब मस्ती भी कर रहे हैं। मेरे कहीं ऐसे फ्रेंड्स थे भाई क्लासेस में नहीं आ रहे, एक भी क्लास 0% अटेंडेंस, बाहर देखूं खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कभी किसी सोसाइटी में पार्ट लेकर कुछ उसके हेड बने हुए हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं एक्सेट्रा, और जब रिजल्ट आ जाए तो 90%। मैं सिर पकड़ दूं, मैंने कहा भाई ये क्या, हम तो क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। वो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है लाइफ का मोटिव, ग्रेजुएशन में मैं 100% लागे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनीज चाहती हैं कि वहां पर बच्चा ओवरऑल डेवलप्ड आए, मेरे पास सिर्फ अकेडमिकली नहीं आए, नॉलेज तो विद टाइम बढ़ती जाती है बंदे की, काम कर करके वो एक्सपर्टीज हो जाएगा, लेकिन एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला होना चाहिए जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर।
मैं चाहता हूँ आप वो एक्सपीरियंस लो उस टॉप कॉलेज में जाकर, उसके लिए अच्छा पढ़ना पड़ा जो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।